हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। होप यू डूइंग वेल। इस वक्त मैं चूजांगलू डिस्ट्रिक्ट में हूँ और चूजांगलू यहाँ का मशहूर डिस्ट्रिक्ट है, फाइनेंशियल हब भी है और यहाँ पे स्काईलाइंस बहुत ज़्यादा हैं। यहाँ के स्काईलाइंस बहुत ही मशहूर हैं। इसके अलावा शॉपिंग मॉल्स वगैरह भी है और वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स के साथ साथ हलाल रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं। तो आज मैं यहाँ थोड़ा बहुत बाई वॉक आप लोगों को दिखाता हूँ। नानजिंग बहुत ही बड़ा सिटी है और स्पेशली यहाँ के जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो कमर्शियल डिस्ट्रिक्स या जो सेंटर्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लोग आए हुए होते हैं, रश भी होता है, ट्रैफिक भी होता है, तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है इस सिटी का। इस एरिया में बहुत ज़्यादा वेस्टर्न रेस्टोरेंट्स हैं, कैफ़ेज़ हैं, तो वो सारे इसी जगह पर हैं। इसी प्लाजा के अंदर रेड्स लंदन होटल है। और अभी स्प्रिंग शुरू हो रहा है। वैसे स्प्रिंग में मौसम ठंड भी होता है, लेकिन ये कि हर जगह बहुत ज़्यादा ग्रीनरी वगैरह होते हैं और फ्लावर्स वगैरह होते हैं, तो वो बहुत ही स्पेशल लगता है। नानजिंग चाइना का बहुत एंशिएंट सिटी है। नानजिंग का तारीख भी बहुत ही पुराना है और यहाँ पे बहुत सारे जंगें भी लड़ी हुई है, क्योंकि यहाँ पे आई थिंक जैपनीज़ ने इनके ऊपर हमला किया था, तो वो भी नानजिंग सिटी के ऊपर किया था और बहुत बेदर्दी से यहाँ पे लोगों को मार दिया गया था। तो तारीखी सिटी भी है और वही पुराना आर्किटेक्चर भी अभी है, तो लेकिन ये साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके तो ये ज़्यादा नए डेवलपमेंट्स करें। तो यहाँ की जो डेवलपमेंट्स है वो बहुत ही फास्ट हैं। अभी ये और भी नए स्काईस्क्रैपर्स वगैरह बना रहे हैं और ये बड़े सिटीज़ में भी आता है चाइना। ये एरिया बहुत ही बड़ा है तो एक व्लॉग में इसको कवर करना मुश्किल है। सो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। उम्मीद है आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।